नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 16 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर आज आचार संहिता देश में लागू हो सकती है और इसके साथ ही हिमाचल में आज मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़े ऐलान आज के दिन सरकार कर सकती है। तो क्या कुछ घट सकते हैं, क्या कुछ आज की खबर है, उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर। कुमार सैन में खुलेगा HRDC का सब डिपो, CM सुक्खू ने बस स्टैंड का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कुमार सैन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 4.93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक कुलदीप सिंह राठौर की मांग पर कुमार सैन में HRDC का सब डिपो खोलने की घोषणा की है। हिमाचल की सियासत फिर गरमाई, भाजपा के 9 विधायकों को नोटिस जारी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश की सियासत रोज नई करवट ले रही है। ताजा घटनाक्रम के तहत अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंगामा करने वाले भाजपा के 9 विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी की शिकायत पर किए गए हैं। जिन भाजपा विधायकों को ये नोटिस जारी हुई उनमें सतपाल सिंह सत्ती, इंद्र सिंह गांधी, विनोद कुमार हंस राज, सुरेंद्र सोरी, विपिन परमार, दीपराज त्रिलोक जम्बाल व लोकेंद्र कुमार शामिल है। इन विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। भाजपा विधायकों को 18 मार्च तक नोटिस का लिखित में जवाब देना होगा। विधानसभा सचिवालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में स्पष्ट किया गया कि यदि विधायक निश्चित समय अवधि के भीतर अपना जवाब नहीं देते तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं। आयुष विभाग में 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त, दी पोस्टिंग। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर 140 उम्मीदवारों को आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गई है और इन्हें राज्य के विभिन्न EHC में तैनाती दी गई है। विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर 29,220 पे मैट्रिक्स लेवल 16 के प्रथम सेल के 60% के बराबर उन्हें पोस्टिंग दी है। प्रत्याशियों का चयन करने में जुटी कांग्रेस, ओकओवर में सुक्खू प्रति वोट मुकेश ने किया मंथन। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ओकओवर शिमला में संभावित प्रत्याशियों को लेकर विस्तार से मंथन किया। इस दौरान विधायकों को चुनाव मैदान में उतारने से होने वाले नुकसान और अन्य नेताओं की जीतायु क्षमता पर चर्चा की गई। इन तीनों नेताओं के बीच हुई बैठक में कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अब 18 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को रखा जाएगा। खबर शिमला से, दीदो घाटी में JCB सड़क से नीचे गिरी, ऑपरेटर सहित 2 की मौत। पुलिस चौक की जतोह के तहत दीदो घाटी में स्टोन क्रशर के समीप एक JCB के सड़क से नीचे लुढ़कने से ऑपरेटर सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर मृत व्यक्ति के शव को बाहर निकाला गया, जबकि घायल को IGMC पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर, आज होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग 3 बजे जारी करेगा शेड्यूल। भारत निर्वाचन आयोग ECI आज लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए कहा है कि आम चुनाव 2024 और उच्च विधानसभाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे होगी। ECI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ ECI उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्य विधानसभाओं के चुनावों के कार्यक्रम की भी घोषणा करेगा। घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चलती फिरती लैब में होगी खाद्य वस्तु की जांच, केंद्र सरकार ने भेजी गाड़ी। हिमाचल प्रदेश को खाद्य वस्तुओं के सैंपल की जांच को लेकर आधुनिक सुविधाओं से लैस
पहली चलती फिरती लैब मिलने वाली है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल को पहला वाहन भेज दिया गया है। हालांकि अभी इस वाहन में बनाई गई लैब शुरू नहीं हुई है। इसके लिए अभी स्टाफ व अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद लैब में कार्य शुरू हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस वाहन के मिलने से खाद्य वस्तुओं की जा रही मिलावटों की शिकायतों पर अब तेज गति से कार्यवाही होने की उम्मीद है। नगर परिषद सुजानपुर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, उपाध्यक्ष को सौंपी शक्तियां। नगर परिषद सुजानपुर अध्यक्ष सुनीता देवी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नगर परिषद के सभी पार्षदों ने सहमति जता दी है। उन्हें पद भार मुक्त करते हुए आगामी कार्यवाही तक नगर परिषद के उपाध्यक्ष पवन कुमार को अध्यक्ष पद की शक्तियां दी गई है। एक महीने के भीतर अध्यक्ष पद के चयन को लेकर चुनाव प्रक्रिया करवाई जाएगी। 15वीं क्षेत्र में खुलेगी उप तहसील ननखंडी में बस स्टैंड व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15वीं क्षेत्र में उप तहसील खोलने, ननखंडी में बस स्टैंड के निर्माण तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण, नलाटी स्टेडियम का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर करने, रामपुर में पार्किंग के निर्माण, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किन्नू का नामकरण शहीद पवन धंगल के नाम पर करने, बड़वाली में आईटीआई खोलने तथा सरपारा झील के विकास के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 165 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए है। फ्रांस पर सरकार ने बदले 11 अबकारी एवं कराधान निरीक्षक। राज्य सरकार ने 11 अबकारी एवं कराधान निरीक्षक को ASDEO के हवाले की है। राज्य कर एवं अबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनिस की ओर से इस हवाले आदेश जारी किए गए हैं। जयराम ठाकुर बोले, सरकार अफरा तफरी में एक दिन में दो बार कर रही है कैबिनेट मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अफरा तफरी में एक दिन में दो कैबिनेट मीटिंग कर रही है, जिससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बौखलाहट साफ दिख रही है। कैबिनेट बैठकों में पूरे मंत्री भी शामिल नहीं हो रहे और युवाओं की बजाय अपने चेतों को नौकरी देकर एडजस्ट किया जा रहा है। जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के हितों को दरकनार कर रेबड़ियों की तरह कैबिनेट रैंक देने में व्यस्त है, जिससे असंतुष्टों को साधा जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफरा तफरी आज तक नहीं देखी गई। एक विधायक को मुख्य सचेतक नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की जाती है, लेकिन गजट में उसकी नियुक्ति उप मुख्य सचेतक के रूप में की जाती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ सरकार आर्थिक बदहाली कोरोना रो रही है तो दूसरी ओर सलाहकारों की फौज खड़ी करने में लगी है। युवा 1.5 वर्ष से नौकरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। DLED प्रथम वर्ष में 99.9, द्वितीय वर्ष में 93.9% अभ्यर्थी पास है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवम्बर दिसम्बर 2023 में संचालित DLED प्रथम और द्वितीय वर्ष की नियमित और रियपेयर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। प्रथम वर्ष का परिणाम 99.9% और द्वितीय वर्ष का 93.9% रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हिमाचल में 12 पुलिस अधिकारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा HPS के 12 अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। चुनावी साल में हिमाचल में महंगी नहीं हुई बिजली, बीते साल की दरें ही रहेगी लागू। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य विद्युत बोर्ड के लिए बिजली शुल्क के आदेश जारी कर दिए है। आयोग के अनुसार प्रदेश में इस वर्ष बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई है। राज्य सरकार सब्सिडी देकर अतिरिक्त खर्च उठाएगी। आयोग ने बिजली बोर्ड के लिए 2024-25 के लिए 811.1 करोड़ रुपए की वार्षिक राशि आवश्यकता ARR का अनुमान लगाया है। आयोग की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए औसत लागत 6.99 रुपए प्रति यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है। ऊर्जा शुल्क में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए लगभग 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से वृद्धि होगी। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए वृद्धि दर 75 पैसे प्रति यूनिट होगी। MLA आशीष का पेट खराब, चैतन्य के पिता को BP की दिक्कत, थाना बालूगंज में पेश नहीं हुए दोनों। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस के बागी व गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा शुक्रवार को पुलिस थाना बालूगंज में पेश नहीं हुए। इन दोनों के वकील पुलिस थाना बालूगंज के समक्ष हाजिर हुए।
वकीलों ने पुलिस को बताया कि राकेश शर्मा और आशीष शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है। पुलिस थाना बालूगंज में पहुंचे विधायक आशीष शर्मा के वकील ने उनके पेट खराब होने की दिक्कत बताई और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के वकील ने उन्हें बीपी की दिक्कत बताई। रेल मार्ग के जरिए मध्य प्रदेश से जुड़ा हिमाचल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना से ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेल मार्ग के जरिए हिमाचल और मध्य प्रदेश आपस में जुड़ गए हैं। इन ऐतिहासिक पलों के गवाह रेलवे स्टेशन ऊना पर सैकड़ों लोग बने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना, हिमाचल और इंदौर के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विधिवत रूप से शुक्रवार दोपहर 1:50 पर रवाना किया। वहीं अनुराग ठाकुर ने ऊना रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का रिबन काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने इस पुल का जायजा भी लिया। एचपीयू से ओटी एमआईएल के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने ओटी एमआईएल के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होगी। शुक्रवार को जारी की गई डेट शीट के अनुसार प्रभाकर की वार्षिक परीक्षाएं 30 मार्च से 12 अप्रैल तक होगी। प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 30 मार्च से 12 अप्रैल तक, प्राक्शास्त्री द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 1 से 13 अप्रैल तक, साहित्याचार्य प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 30 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित होगी। विस्तृत डेट शीट विद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी है। हिमाचल प्रदेश विद्यालय बीएबीएससी ऑनर्स व शास्त्री प्रथम से तृतीय वर्ष की परीक्षाओं की डेट शीट 19 मार्च को जारी करेगा। इसके लिए 18 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है। आपत्तियों पर गौर करने के बाद फाइनल डेट शीट जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को सूचना जारी की गई है। शिमला और सोलन में ठगी साथियों ने लगाया 32,80,000 रुपए का चूना। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग पैसा डबल करने के चक्कर में इन साइबर अपराधियों के झांसे में आ रहे हैं। साइबर थाने में इसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। साइबर पुलिस को लाख रुपए की ठगी की शिमला और सोलन जिले से 2 शिकायतें मिली है। छात्रों ने 32,80,000 रुपए का चूना लगाया। जिला शिमला से आई शिकायत में एक व्यक्ति ने पैसा डबल करने के चक्कर में साइबर ठग के खातों में 16,30,000 रुपए जमा करवा दिए। वहीं जिला सोलन में आई शिकायत के मुताबिक एक व्यक्ति ने लालच में आकर साइबर ठगों के खाते में 16,50,000 रुपए की राशि जमा करवा दी। दोनों पीड़ितों को उस समय पता चला जब आरोपी और पैसों की मांग करने लगे। इसके बाद पीड़ितों ने साइबर पुलिस में शिकायत की है। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी पारा चढ़ने लगा है। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 29 और कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी में 27 डिग्री पार हो गया है। शिमला, मनाली, रिकांगपिओ भी धूप खिलने से गर्म हो गया है। प्रदेश में 20 मार्च तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 21 मार्च को कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर शुक्रवार शाम तक प्रदेश में मनाली और आनी कुल्लू नेशनल हाईवे से 279 सड़क और 244 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से अब पहाड़ों में भी तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने की संभावना जताते हुए अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। चंबा शहर के सुल्तानपुर में एक युवक ने निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। युवक की पहचान गोविंद उर्फ बिंदु उम्र 23 निवासी गांव मानदा डाकघर तुंदा तहसील भरमौर जिला चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। गोविंद मजदूरी करता था तथा सुल्तानपुर में काफी समय से काम कर रहा था। पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, शिमला सहित प्रदेश में नए दाम लागू। आम चुनाव की घोषणा से एनपीएल सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की कटौती की घोषणा की है। दरों में 2 साल की स्थिरता के बाद ये राहत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के नए दाम लागू हो गए हैं। शिमला शहर के विकास नगर पेट्रोल पंप के प्रबंधक संजू डडवाल ने बताया कि नए रेट 15 मार्च की सुबह 6 बजे से लागू हो गया है। अब पेट्रोल 94.99 रुपए और डीजल 87.08 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। पहले पेट्रोल 96.95 रुपए और डीजल 88.92 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा था।